मुझे ये बताएं, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि एक बच्चे ने अपनी जिंदगी दे दी, वो जिंदगी चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड वापस ला सकता है? कभी भी नहीं। कंट्रोलर ला सकता है? सेक्रेटरी ला सकता है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फखर जमान, आप देख रहे हैं FP न्यूज। हमारी और आपकी खुश नसीबी है कि आज मेरे साथ इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी आलमशेर अवान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से मीडिया पर एक अहम खबर गर्दिश कर रही है, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन एक एहतजाजी मुजाहरा करने जा रही है कराची बोर्ड के सामने। तो इस मुजाहरे की नौबत क्यों पेश आई है और इसका पस मंजर क्या है? फखर जमान, असल में चीज ये है कि सबसे पहले तो आपके चैनल का जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जो है इस इशू को उठाने में हमारा साथ दे रहे हैं। जैसा कि आप बखूबी इस बात से आगाह हैं कि जब किसी इंसान को उसका हक नहीं दिया जाता या उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करता है और अपना हक मांगता है। हमारी बदनसीबी यह है कि हमारा पहले ही पाकिस्तान का तालीमी स्ट्रक्चर जो है वो टूट फूट का शिकार है, और रही सही कसर जो है इस दफ़ा जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की इंतज़ामिया ने, उसके चेयरमैन, उसके सेक्रेटरी, उसके कंट्रोलर, उन्होंने रही सही कसर जो है वो पूरी की है। और तारीख में, मेरे ख्याल में कराची की तारीख में सबसे लेट, इंतहाई लेट रिज़ल्ट दिया, और फिर रिज़ल्ट में इतनी कोताही बरती गई है, इतनी गफलत और लापरवाही बरती गई है, और किसी भी वालदैन और उनके बच्चों का जो है मुस्तकबिल को मद्देनज़र नहीं रखा गया। और पहली बात तो है कापियों की जांच पड़ताल जो है वो सही नहीं हुई। दूसरी बात पर इन्होंने जो है एक जो है कंट्रैक्ट किया हुआ है एक IT कंपनी से, तो उसने रिजल्ट में जो है स्कैनिंग जो की है कापियों की वो बहुत गलत की है। इसमें एक हिंसा जो है वो उनके स्कैनर ने उठाया है और एक हिंसा जो है उठाया नहीं है, जिसकी रिपोर्ट जो है बखूबी जो है वो IT डिपार्टमेंट वाले, वो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। तो हमें पूरी कराची से जो है वो पेरेंट्स के, स्कूल स्टूडेंट्स के, स्कूल मालकान के जो है वो कॉल्स आई कि हमारे जो बच्चे टॉपर थे स्कूल के अंदर, क्लासों के अंदर टॉपर आए हैं, 8 क्लास तक वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशनें हासिल करते रहे, 1 ग्रेड, A1 ग्रेड हासिल करते रहे, लेकिन मैट्रिक में उनको जो है 5 नंबर, 6 नंबर जो 9th क्लास के सब्जेक्ट्स में दे के फेल कर दिया गया, और कुछ को तो सिरे से एब्सेंट कर दिया गया। तो हमारी पूरी एसोसिएशन, जिसमें चेयरमैन अनवर अली भट्टी, वाइस चेयरमैन मोहम्मद अनवर, और हमारे एक्स चेयरमैन परवेज हारून, और मैं खुद जनरल सेक्रेटरी, और इसके साथ साथ हमारे सब तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो सुदूर थे वो बोर्ड ऑफिस गए, और उन्होंने सेक्रेटरी और कंट्रोलर के साथ मीटिंग की, और बाद अजा चेयरमैन से भी इसके ऊपर बात हुई। तो उन्होंने हमारी तमाम डिमांड्स को मांगना और इस बात को वाकई ही माना, जो कंट्रोलर के आपने लफ्ज थे कि वाकई कोताही हुई है, लेकिन हम आपके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, हम एक डाइस कायम कर रहे हैं, वहाँ पर हम अपने जो है लोग बिठाएंगे, आप अपने स्कूल के नुमाइंदों को भेजें, अपने लेटर हेड पे जो भी रिजल्ट गलत आया है उसकी इंफॉर्मेशन दें, हम सही करेंगे। लेकिन हम जैसे ही बोर्ड ऑफिस से बाहर निकले हैं, नोटिफिकेशन निकल गया है, हमारे साथ वीडियो बयान रिकॉर्ड किया गया, और उसके बाद उन्होंने ना डाइस कायम किया ना कुछ, और अगर दूसरे दिन स्कूल के नुमाइंदगान गए तो उनसे एप्लीकेशन ली नहीं गई। अगर उनके जोर देने से एप्लीकेशन ली भी गई है तो उनके ऊपर फिर काम किया ही नहीं गया, वैसे ही रख दिए, और वैसे ही वही रिजल्ट जो है वो बच्चों को दे दिया गया। और आप खुद मीडिया से वाबस्ता हैं और आप बखूबी जानते हैं कि कल एक अलमनाक जो है हादसा कराची में रोनुमा हुआ कि इसी रिजल्ट की बदौलत जो है एक बच्चे ने जो है वो सुसाइड किया।
जिसकी आप भी गवाह हैं, आपका पूरा मीडिया भी गवाह है और मीडिया पे इस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के तवसुस से ये बात बावर कराना चाहता हूँ। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह साहब, जिनका टेनोर जो है वो खत्म हो चुका है फरवरी में, और वो जबरदस्ती ये टेनोर लेके बैठे हैं, और उसके बाद कायम मकाम सेक्रेटरी बोर्ड जो अभी कायम मकाम हैं और वो बैठे हुए हैं, और वो भी कोई स्कूल मालकान जाते हैं या एसोसिएशन जाती है उनके साथ बैठना गवारा ही नहीं करते। और उसके बाद एक्स सेक्रेटरी जो थे, जिनका अभी कोई रोल ही नहीं है कि वो स्कूल वालों के साथ मीटिंग करें या उनको कोई जो है डिसीशन लें, शायक अली शाह साहब, वो हर मीटिंग में अभी भी एज ए जो है सेक्रेटरी के तौर पर जो है वो तमाम मामलात को देख रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास जो है अभी खालिद एहसान साहब हैं जो हमारे कंट्रोलर हैं, उनको भी सीएम सिंध के जो नोटिफिकेशन आया उसके ऊपर मुअत्तल किया गया, लेकिन वो भी अपनी कुर्सी के ऊपर बरमला है और उन्होंने ये गैर कानूनी तरीके से ये रिजल्ट दे दिया। इस वक्त बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में नाज़िम इम्तिहानात होना चाहिए जो नहीं है। कंट्रोलर चेंज हुआ, एक कंट्रोलर ने डेट शीट दी, दूसरे कंट्रोलर ने आके इम्तिहान लिया, तीसरे कंट्रोलर ने आके जो है वो रिजल्ट दिया। और जब रिजल्ट अपना बन रहा है उस वक्त कोई भी कंट्रोलर नहीं है, कोई भी जिम्मेदार शख्स नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। चेयरमैन साहब भी गए मुल्की दौरे, और चेयरमैन साहब उमरे पे भी गए, अल्लाह उनका कबूल करे, उसके बाद गैर मुल्की दौरे पे चले गए। और बोर्ड के अंदर हर कोई गोलियां लगा रहा है, सरेआम ये बात चल रही है, इतने करोड़ रुपए हमने मैंने दिए, इतने करोड़ रुपए मैं दे रहा हूँ, इतने लाख में जमा कर रहा हूँ। ये बात काट रहा हूँ, आपने बात कर भी ली, आपसे मैंने पूछना भी था, ये जो बात सामने आ रही है कि इस वक्त पेपर पास करने की मद में हजारों रुपए की ऑफर्स की जा रही है, तो क्या इसमें कोई रियलिटी है या वैसे ही बातें हो रही है? ये बिल्कुल इसमें हकीकत है और पूरा कराची इसका गवाह है। सिर्फ पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ये आवाज नहीं उठा रही, बल्कि पूरा कराची गवाह है। और जब एक कंट्रोलर 5 लाख करोड़ रुपए देगा और अपने मुंह से कहेगा कि मैंने 5 करोड़ रुपए दिए, मैंने 4 करोड़ रुपए दिए, मैं 2 करोड़ ले हूं, मैं अभी 50 लाख रुपए जमा करा चुका हूँ, हाँ बोर्ड सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज 18वीं तरमीम के बाद ये अच्छा था कि ये गवर्नर के पास ये था ये बोर्ड, और कुछ जो है एक मेरिट के ऊपर चल रहे थे। जब से ये सूबाई गवर्नमेंट के पास आए, इनकी वजारत बनाई गई, वजीर साहबान ने वही करप्शन जो इदारों में करते हैं उन्होंने कहा आप कहां से करें। उन्होंने मनमाने अपने कंट्रोलर चेयरमैन सेक्रेटरी बिठाए, उनसे पैसे लिए और उनको कहा जैसे आपने करना है आप करें। लिए लावारसों के बच्चे हैं, ये कराची लावारिस है, इसके वारिस कोई नहीं है। और हम जो है आके बैठे हैं वडेरे जिम्मेदार, आप लोग हमें भी कमा के दें और खुद भी कमाएं। इन्होंने कमाया, खाया, हड़प किया, और उसके बाद जो है अभी भी इतना बड़ा हम एहतजाज कर रहे हैं। कल भी हमारे पास शवाहिद हैं, जो ब्रोकर कल बोर्ड ऑफिस के अंदर घूम रहे थे विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स कंबाइन का, वो सप्लीमेंट्री के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करवा रहे थे। कल 50,000 रुपए पूरे पर्चे पास करवाने के लिए और 10,000 रुपए बोर्ड के नाम पे और 3,000 रुपए 2,000 रुपए ब्रोकर अपने नाम पे ले रहे थे कि ये हमें दे और 20 मिनट के बाद हमसे मार्कशीट ले लें, ठीक है। और ये मार्कशीटें आई भी हैं जिसका हमारे पास बाखूबी रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया है, ठीक है, और हम वो लाएंगे एक स्टेज के ऊपर और बहुत सारी चीजें हम लाएंगे जो करप्शन बोर्ड ऑफिस में होती है। बहुत सारी करप्शन होती है, सेंटर बनाना, सेंटर बेचना, सेंटर लगाना, सेंटर चेंज करना, ठीक है, हम सारी चीजें हम बर्दाश्त कर ली, देख लिया सब कुछ। लेकिन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची और महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज, इनकी पूरी मिली भगत है, ना वो इनसे पूछ रहे हैं ना ये उनको बता रहे हैं, और एंटी करप्शन के नाम पर कि भाई ये टीम आ रही है वो चीज आ रही है, उनके मुंह में भी पैसे डाल के उनको खामोश करा लेते हैं।
तो सर तालीम किसी भी मुआशरे का एक अहम सुकून होता है। जो तालीम के साथ इस किस्म का अशर किया जा रहा है कि रुपयों में बेची जा रही है, सीटें भी रुपयों में ली जा रही है, तो इस कौम का और इस नौजवान की नौजवान नसल है, इसका क्या मुस्तकबिल होगा, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा इस पूरे तनाजुर में? फखर जमान साहब, सबसे पहली बात तो ये है, इससे हट के पहली बात तो ये है, आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि एक बच्चे ने अपनी जिंदगी दे दी, वो जिंदगी चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड वापस ला सकता है? कंट्रोलर ला सकता है? सेक्रेटरी ला सकता है? इनकी नाअहली की वजह से क्या ये जो पैसे कमा रहे हैं अपने बच्चों को, इससे जो है उनको बाले मुल्कों में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए गाड़ियां, उनके लिए ऐशें कर रहे हैं, क्या गरीबों की और हमारे बच्चों की जिंदगियां जो है उनकी कोई कीमत नहीं है? क्या ये इसी तरीके से हमारे बच्चों के साथ खेलते रहेंगे और हम सब जो है गुलदस्ते, अजर के मिठाइयां और खुशामते बोर्ड ऑफिस की करते रहेंगे? कब तक करते रहेंगे? अब वो टाइम आ चुका है। मैं आपके चैनल की तवज से पूरी कराची को ये कॉल दे रहा हूं, 17 तारीख को किसी भी तौर पर पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड काजीज एसोसिएशन अपना ये धरना, अपना ये एहतजाज मुलतवी नहीं करेगी और 1 तारीख 7 एहतजाज करेगी, और जब तक उस गेट से नहीं हटेगी, जब तक अपने बच्चों का जो है आप सही मायनों में जो है वो रिजल्ट नहीं ले लेगी। इसलिए हम चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को, जिसको लोग ये कह रहे हैं कि इन एसोसिएशन वालों को तो हम चुप करा लेंगे या इन एसोसिएशन वालों को तो हम मना लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सर ये ऐसा होता रहता है। चेयरमैन साहब, अब वो वक्त गुजर चुका और अभी जो होने वाला है वो ऐसा होगा कि इंशाल्लाह जो अनमेरिट पे लोग बैठे हुए हैं, कंट्रोलर बैठे हुए हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, और जिनका कोई लेना देना नहीं है, और वो जिनको ओहदों से हटा दिया गया है, वो आपके दफ्तर में इर्द गिर्द आपको झमेले में नजर आते हैं, और जिनका वो क्राइटेरिया ही नहीं बनता है, उसका अब हम हिसाब किताब लेंगे। और ये जो बच्चा हमारा एक शहीद हुआ है, आपकी वजह से उसने जान दी है, इसका हिसाब किताब भी हम आपसे लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आलम शेर रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और इंतहाई खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के लिए, अपने कौम के मामारों के लिए मैदान अमल में मौजूद है। वो तमाम बच्चे जिनका रिजल्ट खराब हुए, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग दिल बर्दाश्ता बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन आपके पीछे खड़ी है और इंशाल्लाह ये आपका हक आपको लेकर देगी। फखर जमान, FP News, कराची।